गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा मेरा आवाज आ रहा है सभी को? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू कैन हियर मी। बेटा आवाज आ रहा है मेरा? हैंड रेज करिए पास इफ यू कैन हियर मी। जस्ट रेज योर हैंड। ओके वेरी गुड। चलिए तो हम लोगों ने बेटा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज चैप्टर नंबर 3 व्हिच इज सबट्रैक्शन। सो वी विल कंटिन्यू दैट चैप्टर। ओके बेटा देखिए, इन द लास्ट लेक्चर आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चंस। आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू सॉल्व टिल क्वेश्चन नंबर है। यहां तक के बेटा क्वेश्चंस मैंने आपको कहा था आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके उसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद के क्वेश्चन फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा सॉल्व करेंगे। ओके चलिए तो आपको अपना पेज करना है टर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैंने आपको सब्ट्रैक्शन फ्रॉम सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर विद जीरोस है ना, जीरो से सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे ये मैं आपको बता चुका था। ओके हमने प्रैक्टिस भी किए थे क्वेश्चंस की। चलिए तो आज हम लोग देखेंगे बेटा पहले चेकिंग सब्ट्रैक्शन बाय एडिशन। मतलब आज हम लोग क्या देखेंगे बेटा, सब्ट्रैक्शन जो आपने किया है उससे जो आपका आंसर आया है वो राइट है या नहीं है। ठीक है बेटा तो देखिए हमें क्या करना होता है बेटा, इसके लिए आपके सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। ठीक है जस्ट अ सेकंड, लेट सपोज बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग खुद से। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया बेटा, 5 में से मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट किया। किसे सब्ट्रैक्ट किया बेटा? 5 में से मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट किया। ओके तो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आंसर होगा बेटा? अरे इजी है, जल्दी कितना हो जाएगा? 3। ओके तो 5 में से जब मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया बेटा? 3। अब मुझे इसका आंसर चेक करना है। क्या करना है बेटा? आंसर चेक करना है कि मैंने जो सॉल्व किया है वो सही है या नहीं। तो इसके लिए क्या मेथड होता है बेटा, देखिए आपने 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो इसमें से जो छोटा वाला नंबर होता है, एक तो आपको वो नंबर लेना होता है जो स्मॉलर नंबर होता है वो, और उसके साथ में आपको लेना होता है जो आपका आंसर आया सब्ट्रैक्ट करने पे वो। ठीक है बेटा, और इन दोनों नंबर को आपको क्या कर देना होता है बेटा? ऐड। क्या कर देना होता है बेटा? ऐड कर देना होता है। ठीक है तो चलिए हम लोग इसे ऐड करते हैं। 2 को प्लस या 3 में तो कितना आया बेटा? 5 आया। देखिए क्या हमारा जो नंबर हमने इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया था वो 5 ही है? यहाँ पे 5 आ गया। इससे हम क्या समझे बेटा कि हमारा जो सब्ट्रैक्शन हमने सॉल्व किया वो करेक्ट है। क्या है बेटा? करेक्ट है। ओके तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जिन 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना हो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब जो 2 नंबर में से जो बेटा छोटा वाला नंबर है ना वो नंबर आपको लेना है और जो आंसर आया है उसे लेना है, और दोनों को क्या करना है बेटा? दोनों को हमें क्या करना है? ऐड करना है। और ऐड करने पर अगर आपका जो फाइनल मतलब जिस नंबर से आपने सब्ट्रैक्ट किया वो नंबर बन जाता है ना, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? करेक्ट। क्या होगा? करेक्ट। समझ में आई बेटा बात? ओके चलिए तो अब हम लोग है ना बुक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके रखा है, इसे हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, जस्ट सेकंड बेटा, ओके चलिए यहाँ पर हम लोग बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, है ना, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर का। सबसे पहले हम लोग नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 7,075,100, ओके बेटा। देन आफ्टर वी विल राइट दिस नंबर बिलो दिस नंबर, 35,367, ठीक है। देन आफ्टर बेटा क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा क्या? नहीं, तो ये 10, 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो कितना बचेगा? 3। देन आफ्टर यहाँ पे तो 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन 3। यहाँ पे कौन बचेगा? 0। ये इस वाले नंबर से बॉर्डर लेगा, ये कितना हो जाएगा मतलब 10, यहाँ पर हो गया 7। देन 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा क्या? नहीं, तो इससे लेगा तो 14 हो जाएगा। 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, यहाँ पर होगा 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया बेटा? अब ये तो हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। अब हमें इसे चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक तो ये वाला नंबर लेंगे और एक ये वाला नंबर, और दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। इससे ये नंबर बनना चाहिए, कौन सा नंबर? ये वाला। चलिए चेक करते हैं, तो 3, 5, 6, 7, 2, 9, 7, 3, 3, इन दोनों को माइनस करते हैं। चलिए 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा बेटा? 4। कितना होगा? 4, ओके। और सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, यहाँ पर हमें प्लस करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट नहीं किया, ठीक है, एडिशन करना है ना, ओके। चलिए ऐड करते हैं, 3 + 7 कितना होगा बेटा? 0। यहाँ पे कैरी कितना जाएगा बेटा? 1। कैरी कितना गया? 1। नाउ 6 + 3 9 और 1 कितना हो गया? 10। तो 10 का 0, कैरी कितना गया बेटा? 1। अगेन बेटा 3 + 7 10 और 1 कितना हुआ? 11 का 1 और कैरी कितना गया बेटा? 1। देन 5 + 1 6, 6 + 9 15 का 5 और कैरी गया बेटा 1। अगेन 3 + 3 कितना हो जाएगा बेटा? 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया बेटा? 75,100, ओके। और यही हमारा ये वाला नंबर था। इट मींस हमने आंसर चेक किया तो हमारा नंबर मैच हो गया, मतलब हमारा आंसर क्या है बेटा? करेक्ट है, ओके। समझ में आया? ठीक है, तो अब देखिए इसके रिगार्डिंग मैं आपको देता हूँ क्वेश्चंस, जो आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने। जस्ट सेकंड बेटा, ये देखिए, ये रहे आपका क्वेश्चन,
अब इसे आपको क्या करना है बेटा, इसे आपको एक बार फिर से सॉल्व करना है, और एक बार आपको आंसर भी चेक करना है। क्या करना है बेटा, आंसर भी चेक करना है, क्वेश्चन नंबर सी। ओके, अब इसे आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर भी क्या करना है बेटा, चेक करना, मतलब इसे सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर आया उसी को रफ कॉपी में आपको बेटा फिर से सॉल्व करना है, मतलब ऐड करना है और आपको ये वाला नंबर। ओके ठीक है, नाउ अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। द नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा फाइंड द मिसिंग नंबर। क्या पता करना है बेटा हमें, मिसिंग नंबर को पता करना। देखिए कैसे पता करेंगे बेटा, सबसे पहले यहाँ पे ये वाले टॉपिक। अब मुझे बताइए बेटा, 7 को मैं किससे सबट्रैक्ट करूँ, मतलब किस नंबर में से 7 सबट्रैक्ट करूँ कि मुझे क्या मिल रहा है बेटा, 8 मिल। 7 को इसमें से सबट्रैक्ट करें कि आपको क्या मिल रहा है बेटा, 8। तो इसमें सबट्रैक्ट करें बेटा, कौन बताएगा मुझे? बताइए बेटा जल्दी से। चलिए मैं बता, तो 15 को से बेटा, 15 को अगर हम 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो बेटा हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 15, तो हम लोग अगर 15 लिख देंगे तो क्या होगा बेटा, हम लोगों को इस वंस को इसमें कन्वर्ट करना होगा टेंस। तो बेटा 15 वंस में कितने टेंस होते हैं, 1 टेंथ। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, आप जो 15 लिखा था ना बेटा, तो 15 का 5 यहाँ पे लिख दिया। ओके, और ये जो 1 है ये कैटेगरी से लिखा है। ओके अब बेटा, अब मुझे बताइए किस नंबर में से मैं 8 को सबट्रैक्ट करूं कि मुझे कितना मिल जाए बेटा, 9। तो देखिए अगर आप यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, 18, कितना लिखते हैं 18, और 18 में से अगर 18 नहीं बेटा, यहाँ पर क्या आएगा 17। ठीक है, 17 में से अगर हम इसे सबट्रैक्ट करते हैं बेटा 8 को, तो हमें कितना मिलता, 9 मिलता। ओके, तो यहाँ पर अगर आप 17 राइट करेंगे बेटा, क्या राइट करेंगे, 17, तो आपका आंसर थोड़ा सा हो जाएगा रॉन्ग। क्यों, क्योंकि देखो ये 15 का तो 5 लिखा और 1 कितना गया, कैरी गया, मतलब ये 1 को भी हमें इसमें जोड़ना है बेटा। ये 1 को जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आना है, 17। तो कब आएगा, जब यहाँ पे कौन होगा, 16। कौन होगा बेटा, 16। तो 16 का 6 यहाँ पे लिखा और 1 कहाँ गया बेटा, कैरी। अगेन अब बेटा किस नंबर में से 3 माइनस करने पे 2 आता है, इसमें से माइनस करने पे 2 आता है बेटा, 5। ठीक, तो 5 में से है ना, 5 में से, 5 में से अगर मैं बेटा कितना माइनस कर दूं, 3, तो कितना मिलेगा मुझे, 2 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए बेटा, इस 1 को मिला फिर 5 बनना चाहिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। ओके फाइनली अब यहाँ की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर कितना आया, 4। अब यहाँ पे बताइए बेटा मैं किस नंबर में से 4 को माइनस करूंगी, 5 आ जाएगा, जैसे इसके कौन सा नंबर हो जाएगा बेटा, नाइन।
बेटा। देन आपको फाइनली यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा हम लोग, यहाँ पर किस नंबर में से टू को माइनस करेंगे कितना आ जाए बेटा, वन आ जाए। यहाँ पर फाइनली कौन आ जाएगा आपका, थ्री। अब देखिए बेटा सब्ट्रैक्शन में तो आपका ऐसा नंबर लिखा नहीं होता ना, तो अब हम इसे क्या कर लेंगे बेटा, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे फाइनली हम इसे क्या कर लेंगे बेटा, ऐड कर लेंगे। ओके चलिए इन्हें ऐड करके देखते हैं फाइनल आंसर क्या आ रहा है, और अगर कुछ करेक्शन होगा तो फिर वो करेंगे, है ना। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो 5 का 5 6 प्लस 1 कितना होगा बेटा, 7। देन 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 5। देन यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा, 9। देन फाइनली यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका बेटा, 3। कितना हो जाएगा आपका बेटा, 3 हो जाएगा। ओके तो ये आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। अब ये सही है या नहीं इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। ओके चलिए तो इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा ये आंसर क्या है आना चाहिए, क्या तो होना चाहिए बेटा, आना चाहिए। चलिए करते हैं सब्ट्रैक्ट, 2 4 8 7। इसमें से इसको माइनस करते हैं। सबसे पहले बेटा क्या 15 में से 7 जाएगा क्या बेटा, सॉरी 5 में से 7 जाएगा क्या, नहीं। तो ये क्या लेगा, इससे कैरी लेगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 15। कितना हो जाएगा, 15। और 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 8। देन आफ्टर यहाँ पे कौन सा नंबर बच जाएगा बेटा, 6। तो 6 में से इसे सबट्रैक्ट करें बेटा, 6 में से 8 सबट्रैक्ट होगा क्या, नहीं। तो 16 में से हमें कैसे सबट्रैक्ट करना होगा बेटा, 8। तो 16 में से 8 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 8। देन आफ्टर बेटा यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4। क्या 4 में से बेटा 3 सब्ट्रैक्ट होगा, यस हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 1। 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, और 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। तो अगर आप बेटा ध्यान से देखें तो हमारा आंसर थोड़ा सा हो गया रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने शायद कुछ मिस्टेक कर दिया है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 290 लिखा है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग इसको फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं हमने कहाँ पे मिस्टेक किया। ओके बेटा जस्ट अ सेकंड क्लियर कर लूँ, एक बार फिर से करते हैं, देखिए ध्यान से समझ। ओके तो देखिए बेटा सबसे पहले 7 7 को किससे सबट्रैक्ट करें कि 8 आ जाए। तो अब बेटा देखिए मैंने अभी आपको बताया था, वो कैरी जो बताया था ना, वो कैरी वाला पार्ट आप मत करिएगा, उसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे देखिए, 7 में से बेटा किस नंबर में से 7 को सबट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो आपका आंसर क्या होगा, 15। तो 15 का बेटा यहाँ पर आपको 5। ओके देन आफ्टर बेटा वंस प्लेस है ना, इसलिए वंस वाला नंबर लिख देना है। देन आफ्टर नेक्स्ट आपको बताना है बेटा कि जो यहाँ पे मतलब टेंथ प्लेस वाले नंबर में से आप क्या सबट्रैक्ट करें, यहाँ पर जो नंबर आ रहा है उसमें से 8 सबट्रैक्ट करने के कितना आना चाहिए बेटा, 9। तो यहाँ पर कौन सा नंबर होगा बताइए, आंसर क्या होगा बेटा, 19। तो 19 का आपको लिखना है यहाँ पर, 9 कितना लिखना है बेटा, 9। वो कैरी वाला पार्ट बस आपको नोट कर लेना है, डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है। देन आफ्टर बेटा किस नंबर में से आप 3 माइनस करें कि 2 आ जाए, क्या होगा बेटा, कौन सा वो नंबर होगा आपका,
बताइए बेटा। बताइए जल्दी बताइए बेटा। एक काम करते हैं बेटा, मैं आपको ना इसका सबसे इजी मेथड बताता हूँ, है ना। जस्ट देखिए, इसको हम लोग एक इजी वाले मेथड से सॉल्व करते हैं तो वो जल्दी हो जाएगा, आप लोगों को कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर बताना है यहाँ पर कि जिसको जिसमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाए। ठीक है बेटा, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, आप क्या करिएगा, इन दोनों नंबर को डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा बेटा, ऐड। क्या कर देंगे बेटा, ऐड। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, जल्दी से हो जाएगा। मतलब जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए बेटा कि कौन से नंबर में से इतना सबट्रैक्ट करने पे कुछ नंबर आपको मिल जाए, तो आपको क्या करना है, जो दो नंबर आपको दे के रखे हैं ना बेटा, उन्हें आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्या कर देना है बेटा, ऐड कर देना है। ओके, तो देखिए ऐड कैसे कर देंगे, नॉर्मली से ऐड कर देते हैं, 2 4 3 8 7 1 5 2 9 8, ये 9 नंबर। ठीक है, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 7 प्लस 8 कितना होगा बेटा, 15 का 5 कैरी गया, 1 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 9 18, 18 का 8 कैरी गया, 1 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5, और 1 कितना हो गया बेटा, 6, 4 प्लस 5 9, एंड 2 प्लस 1 कितना हो गया बेटा, 3। देखिए फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, 3 9 6 8 5, तो ये हो गया सॉल्व। समझ में आया? तो देखिए इसके पहले जो हम मेथड देख रहे थे ना, उससे थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, तो आप इससे सॉल्व करिएगा, इससे आपका आंसर इजीली आ जाएगा, है ना। सिंपली क्या करना है बेटा, दो नंबर जो दे के रखे हैं उन्हें आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है बेटा, और आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। तो आप क्या करिएगा, साइड में बेटा, है ना, जो क्वेश्चन लेके रखा है आप रफ कॉपी में इस तरीके से नंबर को क्या कर दीजिएगा, ऐड। कि इस इन दोनों नंबर को हमने ऐड किया, ये नंबर आया और ये आपका फाइनली क्या बेटा, आंसर। समझ में आया? ऐसे ही बेटा आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। कौन सा वाला बेटा, ये वाला क्वेश्चन, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे के रखा है बेटा, इस क्वेश्चन में आपको दे के रखा है कि आपको एक नंबर दे के रखा है बेटा, इस नंबर में से इसी नंबर को आपने क्या किया बेटा, सब्ट्रैक्ट किया, है ना, और उससे आपको ये नंबर मिल गया, है ना। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक नंबर गिवन था, उसमें से आपने कुछ सब्ट्रैक्ट किया, है ना, मतलब इस नंबर को उसमें से सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे क्या है, बड़ा वाला नंबर गिवन है और आपको छोटा वाला नंबर क्या करना है, पता करना है। ठीक है बेटा, तो देखिए अगर हम सिंपली एक एग्जाम्पल लें, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लें, बड़ा वाला नंबर दिया है, तो 5 में से बेटा कितना सब्ट्रैक्ट करें कि आपको 2 मिल जाए, है ना। ये सेकेंड वाले टाइप का क्वेश्चन है ना। 5 में से यहाँ पर एक नंबर आएगा बेटा, है ना, यहाँ पे क्या होगा, एक नंबर आएगा जहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, 5 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 2 आ जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे बेटा,
इस वाले नंबर और इस वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 में से इसे माइनस करेंगे बेटा 2, तो 5 में से 2 को माइनस करने पे कितना आंसर आएगा 3। तो यहाँ पर बेटा आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5 में से कौन से नंबर को माइनस करें कि आपको 2 मिल जाए, तो आपका फाइनली आंसर क्या हो गया बेटा 3। कौन सा आंसर हो गया बेटा 3। तो कैसे पता किया, जो बड़ा वाला नंबर है ना उसमें से ये वाला नंबर आपको बेटा सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। ओके सुनिए अब, है ना, अब आप क्या करिएगा, मैं आपको इसके क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर जे, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर जे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर एच, बेटा डिफरेंस का मतलब भी सब्ट्रैक्ट होता है। ओके ये दो क्वेश्चन है बेटा जो आपको आज सॉल्व करना है, और अगर आपको कोई डाउट आता है हम लोग भी नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, इसको क्लियर कर लेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया हो, तो आप क्या करेगा ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा बेटा, और अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हमारे डाउट क्या कर लेंगे बेटा, क्लियर कर लेंगे। ओके ठीक है, चलिए तो अटेंडेंस लगा दिया बेटा आप लोगों ने, लगा दीजिए अटेंडेंस। ओके बेटा, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके चलिए, बाय बाय।